उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एमजी इंटर कॉलेज के परिसर में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित जिले के केंद्र व्यवस्थापक और प्राचार्य मौजूद रहे। बैठक में 7 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन और सुचिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों और प्राचार्यों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पैसा लेकर नकल कराना या किसी भी छात्र को नकल कराकर पास कराना सबसे बड़ा पाप है। जो शिक्षक ऐसा करता है वो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से अपील की कि वे शासन के मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने कहा, जिलाधिकारी महोदय की व्यस्तता के कारण विलंब हुआ। सामान्यतः प्रतिवर्ष हमारे जिले में ये नकल विहीन संपन्न कराते हैं। ये हमारे जिले का इतिहास रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। जिलाधिकारी महोदय ने अपने बहुत से व्यस्त समय में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पिछले साल जब बोर्ड के, नहीं चाहूंगा कि इस बार ऐसी कोई समस्या सामने आ जाए। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे पूछा कि क्या स्थिति होती पिछले साल वाले में, तो हमने कहा कि बच्चों की संख्या कभी कभी ऐसा होता है एक सेंटर पे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो होता है, ठीक है सेंटर बढ़ा दिए जाए, जबकि पिछले साल हमारे 208 सेंटर थे। इस साल हमारे क्योंकि दो एक जेल भी था, ऐसा जेल में कोई बच्चा रजिस्टर्ड नहीं हुआ हमारे यहाँ से, तो अभी जेल नहीं बना हुआ वहाँ से बोर्ड से। अगर बनता है तो देखते हैं कि दूसरे जिले का कोई आता है तो अलग चीज़ है वो। जेल को मिला के 209 सेंटर थे, 208 सेंटर थे, इस साल 211 है। तो जो वहाँ से बोर्ड से सूची बन के आई थी उसमें से 11 सेंटर को हमको समाप्त करना पड़ा था, क्योंकि मैंने जब मीटिंग ली थी तो 105 विद्यालयों को बुलाया था जो जिसमें सीसीटीवी कैमरा या वॉइस रिकॉर्डर नहीं लगा था, तो उनको या उन्होंने संसाधन पूरे करने से मना कर दिया था, जरा काट दिए। और जिन्होंने कहा कि नहीं मेरे यहाँ सारे संसाधन है सब कुछ पूरा है, उनके प्रत्यावेदन में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जिला समिति ने निर्णय लिया और 24 नए सेंटर बनाए, यानी कि छात्र संख्या हमारी कम होने के बावजूद ही हम लोगों ने इसलिए किया ये कि जिससे कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले बार हमने देखने गया था तो बच्चे बहुत पास पास बैठे थे और आपकी धारण क्षमता के आधार पर ही हमने क्या किया हम लोगों ने कि आपको बच्चे आवंटित किए। कोई भी विद्यालय कॉलेज नहीं कह सकता है कि धारण संख्या से मतलब बच्चे ज्यादा दिए गए हैं जो उन्होंने भरा हुआ है। उसके साथ में ही क्योंकि हमने 24 सेंटर बनाए थे तो बाद में देखा हमने कि 7 विद्यालय ऐसे थे जहां 300 बच्चे नहीं पूरे, तो उसको मैंने काट के उसे विद्यालय से किया है। मतलब इसका एक संदेश भी होना चाहिए था, बिना नैतिकता का शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। नैतिकता का अभाव में कोई शिक्षा होता है तो वो नुकसानदायक ही होता है, कोई फायदा नहीं मिलने वाले हैं। ताकि ये एक बड़ा साइकिल है, बोर्ड परीक्षा एक तरफ एक सर्टिफिकेट है जो किसी भी व्यक्ति उन्हीं का जिंदगी में बोर्ड पास हो जाता है वो किसी न किसी चीज़ का एलिजिबल हो जाता है। मान लीजिए 10वीं पास होता है तो फिर वो 4th क्लास के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो 12वीं पास हो जाता है फिर वो लेखपाल उससे ऊपर का 3rd क्लास के लिए एलिजिबल हो जाता है, फिर उसके बाद वो डिग्री हासिल करेगा किसी न किसी सिस्टम के रूप से आएगा, वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है नहीं तो प्राइवेट में हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। ये फिल्टर इसलिए तो लगाया गया है ताकि जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़े हैं किसी न किसी वजह नहीं है उनको थोड़ा फिल्टर करा करके तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उसी के हिसाब से क्वालिटी बढ़ेगा, वो जनहित में उसका भला होगा। अब आप जानते हैं तो पिछले जो भी है 10-15 साल में जो ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये नकल का जो हम लोग जो तब IAS में होते हैं दूसरे कार्डर में कभी चर्चा होता है ये तो पूछते हैं ये नकल चीज़ क्या होता है, ताकि कहीं ऐसे केवल यूपी में ये परंपरा चल रहा है, यूपी बिहार एक दो राज्य में ये नकल का। हम तो शुरुआत में तब 10 साल पहले सर्विस में आए तो मुझे भी इतना समझ में आते नकल क्या चीज़ होता है, तो बताया था नहीं ये नकल होता है, सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ये क्या चीज़ देखा था बहुत, मतलब मुझे तो रोना आता था। मतलब पेरेंट्स बाहर खड़ा होकर के बच्चे के लिए अंदर पर्ची फेंक रहे थे, उसे लिख करके मतलब वो नकल का तमाम तरीका फिर समझाया गया था, भोल के लिखा जाता है, फिर लिख पड़ी में मतलब दिया जाता है उसका अलग रेट है, अंदर घुसने के लिए इस सेंटर में घुसने के लिए 6,000 रुपये अलग रेट है। मतलब ये कितने बार कहने के बावजूद, पिछले जनपद में मैं कासगंज में डीएम था, वहाँ अतरोलिया बोर्ड चलता था बगल में, जो आप सुने होंगे अलीगढ़ बहुत फेमस है उसके लिए,
वहाँ जो केंद्र व्यवस्थापक सबको जो डंडा लेके पीट पीट करके 6000 रुपया ले रहा था केवल अंदर आने के लिए। तो नकल करो ना करो हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा सेंटर का अंदर आ रहे हो तो मैं पैसा दे के सेंटर बनाया मैं वसूलूंगा। उनको बिल्कुल सिद्धांत क्लियर है, फिर पकड़ के हम NSA के बंद किया फिर सारा पैसा लौटाया। बट क्या हो रहा है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्या हम लोग क्या ऐसे ही परीक्षा करेंगे, ऐसे नैतिकता पढ़ाएंगे? तो बच्चे पढ़ने के बाद देखिए कोई बच्चा मेरिट पूरा मेहनत से एक साल में लग करके मेहनत से कोई बच्चा पास हो रहा, दूसरा बच्चा कुछ नहीं किया है बस आराम से घूम रहा है, किसी ने उन्हीं का परीक्षा लिखवा करके उनका डिग्री मिल रहा, उनका इससे बड़ा गलत संदेश क्या हो सकता है? कद उसके बाद वो कहीं भी निकलेगा तो यही हर जगह तो यही तो नैतिकता वहीं खत्म हो गया उनका। उसके बाद हर जगह जुगाड़ी लगा रहता वो आदमी, किसी भी सिस्टम में आता है वो कैंसर जैसे पोल्यूट करता है सिस्टम को। अब इसलिए तो आप जानते हैं तो हम लोग भी लगे हुए हैं, ये सिस्टम तो खत्म होना ही होना है। एंड पिछले बार भी जो मुझे फीडबैक मिला है कितने बार के कहने के बावजूद CC कैमरा लगी हुई है, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर भी है, फिर भी कुछ लोग बंद करके बीच बीच में तो कराया गया है, फिर सेंटर के बाहर कोई आदमी कड़ा करके बोल के फिर लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए तब तक आपका केंद्र व्यवस्थापक संकल्प नहीं लेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कितने जगह हम तो मिलिट्री फौज कड़ा करेंगे बताओ, क्या गोली मार दें सबको? ये नैतिकता गैर आपका मन का अंदर होना चाहिए था, तो नियंत्रण अपने आप हो जाता है सारी चीज़। कहाँ कहाँ आदमी लगाएंगे, कहाँ कहाँ जासूस लगाएंगे, कहाँ कहाँ हम लोग पता कराएंगे, ये कब तक करते रहेंगे ये सिस्टम का? इसे मिलता भी क्या है आपका पैसा रख के करेंगे क्या? अब मान लीजिए पढ़ जड़ करके तो कोई डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए आपको ही मार डाल देगा बच्चे आपका। सिस्टम का एक तरफ आपको पता नहीं चल रहा है तो कितने बड़ा पाप कर रहे हैं, कोई भी करता हो पैसा के लिए, इससे ज़्यादा पाप कुछ हो नहीं सकता है। अब से यही अपील करता हूँ यार, तो मैं शक्ति तो करूँगा बट इस बार आपको भी एक संदेश पहुँचा होगा, बिना सिफारिश का बिना लालची का आपका सेंटर बना हुआ है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ, जो आप लोग वादा किए हैं साहब इतने कमरा मेरा तैयार है, इतने सुविधा है, आप लोग ऑनलाइन फीड भी कर लिया, हम लोग भी चेक किए, फिर भी आधा अधूरा था, फिर भी तो मैं भरोसा में तो DEOS हम लोग निर्णय लिए चलो एक संदेश दे ही देते हैं, एक महीना डेढ़ महीना हम लोग हाथ पे है, उसी के अंदर कितने सेंटर सीरियसली लेकर के कराने चाहते तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसका भी हम लोग विकल्प रखा है तो फिर उसका हटा करके तो हम लोग नया सिरे से बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर कार्रवाई भी चालू करेंगे बात अलग है। बट आप लोग 211 सेंटर के रूप से आप लोग का चयन किए हैं, लाखों संख्या में परीक्षा देते हैं बच्चे दूर दूर इलाके में, खासतौर पर इस पर हम लोग संवेदनशील के साथ ही हैंडल किए हैं, खासतौर पर लड़कियाँ कहाँ हैं वहीं सेंटर बनाने के लिए प्रयास किए और दूरी का जो हम लोग ध्यान रखते हुए आसपास सेंटर के हिसाब से बनाए ताकि किसी का ज़्यादा दूरी जाना ना पड़ेगा। और जैसा कि डियाओ साहब ने भी बताया कि कुछ जगहों पर हमारे यहाँ पिछले सत्र में गलतियाँ हुई थी, केंद्र व्यवस्थापक के साथ मीटिंग है, यहाँ 211 सेंटर बना हुआ है गोरखपुर जनपद में, उस पर उसी के हिसाब से इन लोगों को निर्देश दिए हैं वहाँ क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए था, सुविधा होना चाहिए था, और नकल विहीन परीक्षा के लिए इन लोगों का सहयोग मांगा गया है, और हर कैमरा में हर कमरा में जो कैमरा लगेगा फिर वॉइस रिकॉर्डर लगेगा, और जो शासन का जो मंशा है निर्देश है वो इन लोग कम्युनिकेट की गई है, इन लोग से भी आश्वासन मिला है उन लोग को पूरा तरह सहयोग मिलेगा। इस बार परीक्षा जो अगले 2019 का बोर्ड परीक्षा है नकलविहीन रहेगा और अच्छा रहेगा।